और फिर मैं राइट साइड में पढ़ रहा हूँ, रात्रि जागरण महाशिवरात्रि के बीच में हाँ लिखा है, तो एक संस्कृत बी एड कुमार पांडे, कृष्ण कुमार पांडे बी एड, तो इस तरह की चीज़ें देख पाते हैं अगर एनलार्ज कर लूँगा तो मैं। हाँ नहीं ठीक है, एज लॉन्ग एज आपको मतलब सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है आराम से, तो अच्छा है। और बाद में फिर रिकॉर्डिंग तो खैर मिल ही जाएगी, क्योंकि वो तो पूरी फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ही। सेलफोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है एक्चुअली। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, अच्छे से। ठीक है चलो, तो इसको प्रेजेंटेशन मोड में मैं करता हूँ। हाँ और सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कर लेंगे। आज वैसे ओजस जी ने बोला था, कृष्ण जी और ओजस जी दोनों ने, क्योंकि दशहरा, अब कई जगहों पे आज दशहरा मन रहा है, कई जगहों पे कल है, तो कल है कल। इसलिए आज आना शायद उनका मुश्किल था। नहीं, लेकिन अच्छा है, धार्मिक कार्यक्रमों में इतना योगदान दे पाते हैं। हाँ वो तो अच्छी बात है। अब जैसे ओजस जी तो पूरा यज्ञ भी करते हैं अपने खुद से, मुझे काफी अच्छा लगा तो हम कभी काफी। उनसे पूछेंगे, मैं अलग से बात कर लूँगा, या आप कर सकते हैं जब चाहिए, कि एक बार जरा हमको यज्ञ की विधि या कुछ उस तरह की यज्ञ के जुड़ी हुई जानकारी, अपन उनसे भी एक सेशन करवा लेंगे। हाँ, एक सेशन एटलीस्ट बेसिक टेनेंट्स समझ पाए हम, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने हैं, जो हम घर पे कर पाएँ। जैसे आपको मैं बता दूँ, जैसे कि एक है नरसिम्हा राव करके कोई है, अच्छा वो काफ़ी अच्छा यज्ञ की पूरी विधि गृहस्थों के लिए हाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक विधि सीखी, तो उनकी एक वेबसाइट है, मैं आपको वो वेबसाइट की लिंक दे दूँगा। तो हाँ उसमें ना उन हर एक परंपरा के लिए, हर एक जैसे आप अगर आपका मंत्र समझो, तो गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जो भी आपका मंत्र है वो आप मंत्र लिखिए, हाँ छोटा सा एक पॉट लीजिए, छोटा सा पॉट हवन का, जितना मिल जाए घर पे, हाँ तो क्या हो जाता है कि क्या कहते हैं उसमें चटक, जैसे कि जो नारियल होते हैं, चटक को आप क्या कहते हैं, नारियल की जो अंदर की जो व्हाइट वाली जो होती है, नारियल वैसी दिख रहा है, की गिरी गिरी बोलते हैं ना, गिरी। नारियल की गरी या हाँ, गिरी ऐसे बोलते। लेकिन वो हरे नारियल वाली नहीं, भूरे नारियल वाली, हाँ पक्का, हाँ ठीक है। तो वो लेके वो भी नहीं, भूरा वाला भी नहीं, गोला जो उसका थर्ड फॉर्म होता है, हार्ड वर्जन, गोला, हाँ वो वाला वर्जन लेके उसके चार टुकड़े रख के अंदर, और उसके ऊपर गुड़ वगैरह रख के, और उसके ऊपर कपूर डालने हैं 5-6 गोली, और स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद आप 15 मिनट तक ऊपर से घी का एक 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 चम्मच डाल के, तो आपके पास घी चाहिए होगा करीब 50 ग्राम घी डालने, आपके टोटल विधि हो गई 100 रुपये में, 50 रुपये में टोटल विधि आपने घर पे कर ली, जो आपको बहुत बढ़िया। तो शायद बहुत महंगा होगा। तो इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे अभी मैं एक गौराष्ट्र की मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, पता कौन सी वाली? है गौराष्ट्र, गौराष्ट्र अरे अपने हाँ, ग्रुप में, गौराष्ट्र, हाँ याद है मुझे। वो लिंक काफ़ी काफ़ी उपयोगी है, मैं आपको बताता हूँ उसमें कितना कॉस्ट एफिशिएंट है। आपको गोबर की जो वो गोल उसमें गोल गोबर की चीज़ें, धूप पर उपले भी मिलते होंगे ना मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा वो याद है। 25 रुपये में गोल गोल 16 पीस मिलते हैं, 25 रुपये में 16 पीस गोल गोल छोटे वाले, छोटे छोटे, तो आप एक बार में 25 के 25 भी यूज़ कर लो, और उसके अंदर 40 रुपये की है कुछ, 40 रुपये की, 80 रुपये की आइटिंग, 80 रुपये की 200 ग्राम है, तो आपने 50 साइज कर ली, तो आपका कितना खर्चा आ गया, 20 रुपये आ गया, 20 रुपये और 25 रुपये के ऊपर, और घी ले लिया 50 रुपये का। तो ये सबसे बेस्ट मेथड ये भी है कि हमने हवन सामग्री ले ली और नीचे प्ले रख दिए, और उसके अंदर से हम घी का
का बीच बीच में डालें और कपूर की गोलियां रख दें, तो पूरा घर के अंदर ये नेचुरल एंटीवायरस है, मैं तो इसको यही समझता हूँ। नेचुरल एंटीवायरस जो कहते हैं ना वो ये है, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नेचुरल इनसेक्ट। पेस्टिसाइड जो, हाँ तो हाँ हाँ यज्ञों का तो वही तो बहुत महत्व है कि वो मल्टीपल तरीके से आप जिस माहौल में जिस घर में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं तो वहाँ की शुद्धिकरण होती है। फिर मंत्रों के कारण आपके शरीर के अंदर का शुद्धिकरण होता है, ऊर्जा का संचार होता है, तो इतनी सारे फायदे हैं कि इसलिए उसको यज्ञ कहते हैं। उसके और भी काफी फायदे हैं, और भी काफी काफी फायदे हैं। तो जैसे यज्ञ से दान जुड़े दान होते हैं, यज्ञ के अंदर हम होते सिर्फ हैं, यज्ञ नहीं, दान करेक्ट। होते हैं, तो दान की सामग्री भी वहीं आसपास रखते हैं और फिर वो सारा कुछ दान किया जाता है। हाँ, और दान से पता है आपको शनि ग्रह शांत होता है, तो अब ग्रह शांत होने का असल में ये मतलब नहीं है कि आप किसी सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं। हर शरीर के अंदर भी जो सोलर सिस्टम में चल रहा है वही हमारे अंदर भी है। बिल्कुल सही, तो ग्रहों का अर्थ जो है वो आपके अंदर भी उसके रिफ्लेक्शंस हैं, हर किसी की प्रतिध्वनियाँ हैं। तो जब भी बिल्कुल हम किसी सेवक या किसी को हम कुछ दान करते हैं तो आपका जो शनि वाला एस्पेक्ट है, मतलब किसी ग्रह को आप शांत कर रहे हैं वैसा नहीं है, आप अपने शनि एस्पेक्ट को अपने आप संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे अपने मम्मी पापा माता पिता या गुरुओं से जब बात करते हैं तो हमारा गुरु और सूर्य जो पिता और माता वाला जो ग्रहों के स्वामी है वो अपने आप शांत होते हैं। तो असल में गुरु और सूर्य एस्पेक्ट जो है अपना वो भी खुश होता है या शांत होता है। तो ऐसी बहुत सारी बिल्कुल मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं जो हमारे जो यज्ञ की विधियाँ या पूजा की विधियाँ हैं उसमें अपने आप ही वो समाहित हैं, वो अपने आप ही हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो संस्कृति है वो इतनी पूर्ण है, संपूर्ण जिसको कह सकते हैं कि वो मानव जीवन को इतनी पूर्णता से देखती है कि उतनी बारीकी से कभी किसी ने देखा ही नहीं है। चारुलता जी कोशिश में लगी हुई है। शिवानी जी तो आ गई, चलो बढ़िया है, कम से कम शिवानी जी का तो माइक चलने वाला है। नमो नमः, सर्वेशम नमो नमः, सर्वेशम नमो नमस्कार शिवानी जी। कपिल जी आप कुछ बोल रहे थे, हाँ मैं कुछ कह रहा था कि हमें सेशन ले ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे जो प्रिंसिपल्स बताएंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स, वो काफी हमें हैंडी मिलेंगे और हमारे जो मन के डाउट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने जो जाना है वो इधर उधर से इकट्ठा असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो ओजस जी बताएंगे वो डायरेक्ट 1-to-1 होगा, मतलब गुरु शिष्य हाँ, परंपरा क्योंकि वो खुद ही करते हैं, यज्ञ करते बिल्कुल। हैं, तो पूछेंगे अभी जो उनसे कभी वो हाँ अपने वो वाला लिए। सेशन करना जरूरी है, जरूरी है, एक अच्छा मजा आएगा, एक करना और जरूरी है। उसको ऐसा कुछ भी करेंगे स्ट्रिंग, मतलब कोई अपने बड़े ग्रुप में भी डाल देंगे, जैसे अपना भारत माता वाला ग्रुप है या डिस्कशन हाँ वाला, तो उस दिन हम लाइव कर सकते हैं और सभी को ओपन ओपन लिंक कर देंगे वो वाला, उस दिन के लिए कोई एक नया फ्रेश लिंक ताकि बहुत लोग जुड़े और ओजस जी को भी प्रेरणादायक लगे कि हाँ भैया मतलब काफी लोगों तक तो उनका ज्ञान जा पा रहा है। हाँ, उनको तो एनकरेज करना ही चाहिए हमको, क्योंकि एक तो वो बहुत ही मैं बारहवीं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ, मैं तो बहुत में इंस्पायर है, हो, बहुत समय है अभी उनके पास, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को वो प्रेरणा दे सकते हैं, अच्छी चीज़ों में दे रहे जुड़ हैं, के दे रहे हैं, इनफैक्ट मैं खुद उनसे दे भी इंस्पायर रहे हो गया हूँ। हैं। बल्कि हाँ सुन मैं क्योंकि मैं चकित रह गया हूँ अभी तक कि वो 12th होते हुए संस्कृत सीख रहे हैं, साथ में यज्ञ भी करते हैं, और मतलब मेरे ख्याल से जो पढ़ाई होती है वो तो काम की नहीं होती है, मेरे ख्याल से ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये मैं ये काम कह रहा का हूँ। है। हाँ वही, शिवानी जी तो बिल्कुल ही चुपचाप बैठी हैं इधर उधर, या फिर आपकी बातें ध्यान से सुन रही हैं। कपिल जी आप बहुत ही नहीं बढ़िया यार बातें कर रहे हैं आज। देखो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है यार, ओजस के बारे में बात हो रही है ये तो समझ में आया, बट क्या बेसिक क्या है इस डिस्कशन का वो नहीं पता चला। शिवानी दीदी, ओजस भैया वो कल अपने बारे में परिचय दे रहे हैं कि वो 12th में है और संस्कृत सीख रहे हैं यहाँ पे,
और उन्होंने कल 15 मिनट पहले क्लास छोड़ी थी। उसके कारण पूछा गया एटी द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हमें यज्ञ करना है, और यज्ञ का पूरा कारोबार संभालने वाला है वो व्यक्ति ओजस जी ही। तो वो घर में जो यज्ञ होने वाला है उनका अष्टमी का, वो उन्होंने किया है। ऐसा वो टेबल ऐसा सुन के लगा कि वो खुद हर बार करते हैं ओजस जी। बहुत बढ़िया। तो सुनकर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि यार ये उम्र में इतना कुछ कर पा रहे हैं, वो चीज़ है। तो हम लोग यही विचार कर रहे थे कि उनसे पूछेंगे कि कभी यज्ञ की विधि यदि कोई बताने लायक या शेयर कर सकते हैं तो हम एक सेशन उनका ऑर्गेनाइज करवा के तो चाय पियो रखेंगे, भैया, ठंडा हो जाएगा ना, है मजा नहीं ना। आएगा। बहुत बढ़िया विचार है। एक्चुअली हाँ मैं आज वही, मेरी माँ जो थी वो दशहरे के दिन हवन करती थी, तो हवन करना मुझे आता नहीं है, मैंने सब भोग लगा दिया, तो वही मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि कुछ सीखना चाहिए था मम्मी से, वो हाँ सीखा नहीं। वो करते थे, चलो वो करते अपन ओजस जी को बुला लेंगे कुछ सीखने के लिए, तो आप फिर कोशिश कर सकती हैं। और वैसे अभी कपिल जी ने एक छोटी सी विधि बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, एक मटके में अच्छा, कैसे करना है, तो शायद उससे भी काम आए आपको। मैं वो वीडियो में देख लूंगी। हाँ 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 नहीं तो हम हाँ बाद में भी चर्चा कर लेंगे, शिवानी दीदी को मैं पहले बता। हाँ चलो ये हवन कुंड वगैरह सब रखा है हमारे यहाँ, पहले तो वो गोबर के उपले वगैरह सब होते थे, अब अभी वही सब नहीं है बातें हो रही मम्मी। थी, सब यही बातें हो रही थी कि हवन कैसे होगा, गोबर के उपले किधर से मिलेंगे, यही बहुत बातें सही हो तरीके रही से थी। नहीं, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। हाँ वो मैं तो पहले चेंबूर में रहती थी, तो चेंबूर में एक पर्टिकुलर शॉप में सब कुछ मिलता था, आम की लकड़ियां और गोबर के उपले सब सब मिलते थे, तो सब कुछ वो जो गूगल होता है पूरा सामग्री होती है सब मिलता है। बट अब करे मेरे तो मंत्र क्या होगा नहीं, वो सब भी मेरे तो ख्याल पता होना से, चाहिए। मेरे ख्याल से गूगल शायद यूज नहीं करते हैं हमारे वैदिक परंपरा में। हम लोग जो यूज करते हैं वो अलग सामग्री होती है, काफी हर्ब्स होते हैं, काफी अलग अलग हर्ब्स होते हैं और रूट्स होते हैं। हाँ, ये मिक्स्ड वो मिक्स्ड कुछ दरगाह वाले, आता है। राइट हाँ राइट मिक्स्ड गूगल जो है वो कुछ। दरगाह वालों ने कुछ यूज करा है मेरे ख्याल हाँ से, हाँ वो हाँ डाला है, वो हाँ बोला है। हाँ वो एक तो ये मिक्सचर जैसा मिक्स आता है हवन सामग्री का, एक पैकेट जैसा, उसमें सब पहले से जड़ी बूटियां रिकमेंडेड हैं, वो अपनी हाँ। रहती हैं सब। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो लोग काफी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं इन सब चीजों पे। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली गूगल पे ढूंढ रहा था तब मिली मुझे वो। ठीक है आज हम शुरू करते हैं, काफी हमने चर्चा कर ली लगता है। चलो, नहीं ऐसी बातें होती चारू रहनी जी आज भी चाहिए। नहीं है, चारू चारू जी जी नए आज भी हैं, नहीं फिर है। से वही स्पिरिट में है हमारे। मोहा को एक बार बोलना पड़ेगा कि उनको किसी तरह मतलब कोई समझा पाए कि कैसे करना है उपयोग, ताकि वो अकेली भी हों तो आ जाएं, क्योंकि इस हफ्ते शायद वो अकेली हैं, बोल रही थी कि हमारे आसपास कोई बच्चे नहीं हैं जो हमको बता दें कि क्या करना है। तो वो लिंक पे तो क्लिक कर लेती हैं, पर शायद माइक का कोई उनके फ़ोन में कोई ऑप्शन होगा जो उनको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा हाँ, थोड़ा दिक्कत तो होता है क्योंकि मुझे भी मेरे पापा का सब सेटिंग करके आना पड़ता है। हाँ लेकिन हाँ आजकल में हो क्या कपिल जी, नहीं, मेरे घर पे कुछ अच्छा काम वाम भी चल रहा चलो तो है हम आओ चालू करते हैं सबसे पहले। तो अब तो आपको विधि पता है, तो अब कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंखें बंद करके हम शुरू हो जाते हैं।
आप वो आवाज नीचे से ऊपर आती हुई अनुभव कर पाते हैं शरीर के अंदर? भले ही बाहर थोड़ी बहुत शोर वोर चल रहा है वो अलग बात है, पर जब हम ओम बोलते हैं तो हमारे अंदर जो कंपन होते हैं उनको आप हमेशा ध्यान दे सकते हैं कि वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। कंपन और होता तो, लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर ये सीक्वेंस इतना ध्यान में नहीं, मतलब इतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कंपन पूरे मतलब अनाहत चक्र में और विशुद्धि चक्र हाँ में हाँ और जब हर बदलता है जगह। ना आवाज़, उस समय आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे जब अ से ऊ किया आपने, तो आप क्योंकि असल में कर क्या रहे हैं कि जैसे मुंह पूरा खुला हुआ है ऐसा, और अब हम धीरे धीरे उसको बंद करते जा रहे हैं, और तो वो समझ गया, मुझे आवाज़ अपने आप बदलती है। इस बार मैंने अनुभव किया और मैंने ऑब्जर्व किया इस बार इन चीजों। हाँ, तो आप जब सिर्फ आवाज़ को कि कहीं पर कहाँ पे जा रही है, तो धीरे धीरे अंदाज से समझ में आने लगेगा कि वो छाती के आसपास, फिर गले के आसपास कब आती है, जैसी आवाज़ बदलती जाती है तो वो बढ़ती है नीचे से ऊपर। और वो तो नेचुरली होता है, मतलब यदि आप ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो भी हो रहा है, वो तो हो ही रहा है जब भी आप ओम कह रहे हैं। सिर्फ ये कि ध्यान देने से और भी हमारा जो एक अवेयरनेस है, हमारी जो एक और समझ लीजिए अंदर की आंख भी खुल जाती है, जो शरीर के अंदर क्या हो रहा है हम उस पे भी ध्यान देने लगते हैं। पर मेरा क्या तकलीफ है पता है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत खराब है, तो करते वक्त भी ध्यान बहुत भटकता है। तो वो तो अभ्यास से ही होता है, ध्यान धीरे धीरे हम जैसे ये चीज़ें करते हैं। आप यदि हर दिन किसी तरह का ध्यान करती हैं, आपने ये सुना है क्या, ईश क्रिया? शुक्रिया। तो योग जो हम करते हैं ना, चाहे वो आसन हो चाहे दूसरे ध्यान भी होते हैं, प्राणायाम भी होता है, तो ये सब का प्रयोजन बहुत मल्टीफोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें इनसे एक साथ होती हैं। जब यदि मैं आसन कर रहा हूँ तो मैं अपने शरीर को ज़्यादा गहरी साधनाओं के लिए अपने आप तैयार कर रहा होता हूँ। तो हम जैसे यदि एक सिंपल सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, तो मेरा शरीर अपने आप एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होता जा रहा है, ज़्यादा लचीला होता जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा गहरी साधनाओं में वो काम का होता है। फिर क्योंकि सूर्य नमस्कार से एक बहुत बड़ा प्रयोजन है कि अंगों का कसरत तो हो रही है, अंगों की कसरत हो रही है, लेकिन सूर्य की जो शक्ति है उसको आप ग्रहण करने की भी कोशिश करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। तो यदि सूर्य की शक्तियों को आप ग्रहण करने लगेंगे तो शरीर जो है खुद से बहुत सारी चीज़ें अपने आप करने, खुद से मतलब अपन आप जो खाना क्यों खाते हैं, खाना हम एनर्जी शक्ति के लिए खाते हैं कि ऊर्जा मिले उससे। वो ऊर्जा आ कहाँ से रही है, पेड़ पौधों से या किसी भी चीज से? उसमें असल में अन्न में शक्ति कहाँ से आई, सूरज के कारण। सूर्य नहीं होता तो वो पौधा बढ़ता ही नहीं, ना पौधा बढ़ता ना बीज बढ़ता ना कुछ कुछ नहीं होता। तो फाइनली जो है हम सूर्य की शक्ति को ही किसी ना किसी तरह ग्रहण कर रहे हैं। तो यदि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उस शक्ति को आप सीधे के सीधे ग्रहण करना चालू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो तब क्या होता है कि यदि हम यदि रेगुलरली कर रहे हैं 10 सूर्य नमस्कार, 15, जिसकी जिसकी भी जितनी क्षमता है लोग करते हैं, तो शरीर जो है सूर्य की मदद से अपनी शक्ति धीरे धीरे खुद से बनाना और बाकी चीज़ों पे जो निर्भरता है वो कम करने लगता है, अपने आप खुद से बनाना सीखने लगता है। तो आपकी आपकी भूख अपने आप कम होने लगेगी, आपकी नींद अपने आप ज़्यादा रेगुलेट होने लगेगी। तो धीरे धीरे शरीर की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते। किस चीज से कहा आपने, किस सूर्य चीज से ये नमस्कार होता है? से सिर्फ सूर्य और नमस्कार? इन जनरल लेकिन योग इधर से। और एक
हाँ बोलिए। एक और बात पूछनी थी, जैसे सूर्य नमस्कार की बात हुई, ठीक है, अब हम लोग रहते हैं मुंबई जैसे शहर में और हमारे घर होते हैं माचिस के डब्बों जैसे, सूर्य का प्रकाश एकदम सही तरीके से घर में तो आता नहीं है, हालांकि रोशनी रहती है पर फिर भी, तो ये क्या जरूरी है कि हम लोग हम जब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो एकदम सूर्य की रोशनी आनी चाहिए या ईस्ट फेसिंग हो तो काफी है? जितना संभव हो, जहाँ संभव हो, जैसे आपको सूर्य की रोशनी आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ पा रही तो कम से कम आप यदि सुबह सुबह कर रहे हैं जब सूर्य अपने निकलने वाले समय पे है, समझ लीजिए 8-9 बजे के, इवन वैसे तो दिन में कभी भी करें उसका फ़ायदा तो होगा ही, पर उन उन समयों पे सूर्य थोड़ा माइल्ड रहता है, हल्का रहता है, जब वो थोड़ा सा ऑरेंज नारंगी से कलर का रहता है तो वो समय और भी अच्छा है, पर बाकी समय भी कर सकते हैं। रोशनी यदि आसपास है तो शरीर अपने आप उसको ग्रहण करना धीरे धीरे सीख जाता है, सूरज रहेगा तो और भी अच्छा है, वो प्रक्रिया थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी उसकी यदि सूरज आसपास है दिख रहा है तो। फायदे का तो वो किसी भी जगह पे है, चाहे आपको सूरज दिख रहा है चाहे नहीं। तो ईशा क्रिया मैंने इसलिए भी लिखा क्योंकि ये भी एक तरह की गाइडेड, उसमें एक सदगुरु की आवाज़ चलती है या किसी और की भी, किसी किसी वीडियो में आवाज़ आपको नहीं, मिलेगी, सदगुरु जी की है, मेरे पास सदगुरु वो की ही वीडियो है, आवाज़ ठीक है, है। मैं आपको चुराने के लिए भेज सकता हूँ तो बहुत सिंपल है, 10-15 मिनट में हो हाँ। जाता है ईशा क्रिया, उससे भी ध्यान का आपको अभ्यास होगा। और जितनी शक्तियाँ हैं, जैसे सिंपल ओम भी बोलते हैं अपन जब हर बार क्लास में आते हैं और एक ओम कहते हैं सब लोग साथ में मिलके, तो योग से एक अनुशासन भी आता है हमारे अंदर, और अनुशासन जैसे जैसे आएगा आपका ध्यान एकाग्र होने में मदद मिलेगी ही, पर बस लगे रहिए करते रहिए, वो सब धीरे धीरे हो जाता है। रिसेंटली मैं टेक्सास के एक मंदिर में जाता था पिछले साल, तो वहाँ के पंडित जी मुझे कई बार आके पूछते थे कि आप मतलब मंदिर में 40-50 लोग हैं, कई बार 100-200 लोग भी होते थे, मतलब बहुत सारे लोग दर्शन वर्शन से आए हुए हैं, और आप एक कोने में बैठ के आराम से बिल्कुल ध्यान, मैं ध्यान में एक जगह किनारे कहीं भी बैठ के अपना बैठ जाता था, तो वो पंडित जी आके पूछते थे कि ये कैसे करते हो इतने शोर में, उनको भी भरोसा नहीं होता था। वो अभ्यास वाली बात है और कुछ नहीं है, आजू बाजू कुछ भी हो रहा हो लग जाता है ध्यान। चलो तो अब हम ओम तो हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बार जल्दी से करेंगे ताकि हम अगली चीजों पे जाएं, ठीक है। कल हमने काफ़ी सारा अभ्यास किया है इन चीज़ों का, तो मम नाम अंशु, मम नाम किम कपिल महोदय, मम नाम कपिलः, फिर से भवती नाम मैंने क्या पूछा, मम नाम किम कपिल महोदय। अंशु, हाँ तो अब आप भवती बोलेंगे, नाम अंशु, भवतः नाम, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो भवतः नाम अंशु, अभी मैंने थोड़ा सा स्विच किया ताकि आप वो चीज़ समझें कि कब किसका उपयोग करें। चलिए अब आप प्रश्न पूछिए शिवानी जी से। भवती नाम किम? भवत्याः, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई, शिवानी जी आपको आवाज़ आई क्या प्रश्न की? भवती तक सुनाई दिया। चलो फिर से पूछ लो। मम नाम किम शिवानी जी? मम नाम किम? भवतः नाम कपिल? उत्तमम उत्तमम, भवत्याः नाम किम शिवानी जी?
अच्छा, भवत्या नाम किम? मम नाम शिवानी। उत्तमम उत्तमम, बहुत बढ़िया। मम नाम किम अंशु जी? भवत्याः नाम शिवानी। ठीक है, तो अब आप समझे, थोड़ा थोड़ा हम स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि मेरा नाम तो ठीक है, लेकिन अब मैंने आपसे ये आपका नाम नहीं पूछा, अपना नाम पूछा, तो आपको दोनों शब्दों का अलग अलग उपयोग समझ में आएगा कि कब हम मम बोल सकते हैं, कब भवतः भवत्या बोल सकते हैं, और क्या पूछ रहे हैं आप उसी का जवाब दें, तो उस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं। अहम संस्कृतम पठामी कपिल महोदय, किम पठामी अहम। हम संस्कृतम पठामि। एक बार फिर से, किम अह पठामि अहम। भवतः संस्कृतम पठामि। अहम भवत संस्कृतम पठामि। थोड़ा सा चेंज, भवतः तो आप ऑलमोस्ट सही जगह पे आ गए, भवतः मतलब आपका है ना, तो आप बोलना चाहते हैं कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आप सीधे भवान उपयोग कीजिएगा, भवान या भवती या। भवान, भवतः, भवत्याः, भवति, भवती, भवता, भवत्याः, भवान, भवतः। ओके, भवान पठामि। अहम संस्कृतं पठ पठामि। पठामी बोलेंगे ओ आप। पठसि, पठसि, हाँ, पठसि। तो भवान संस्कृतम पठसी, करेक्ट। भवान संस्कृतं पठसि। अहम संस्कृतं पठामि। शिवानी जी भवती किं पठामि? भवती किं पठसि? भवती किं भवती पठसि? अहं संस्कृतं पठामि। नाउ यू आस्क मी क्वेश्चन। अहं किं पठसि अंशु जी? फिर से एक बार अहम के साथ क्या अहम आएगा। अहम किं पठसि? अहम के साथ सर पठामी, राइट। पठामि। ओके, हाँ सॉरी, अहम किं पठामि अंशु जी? शिवानी महोदया, भवती संस्कृतं पठसि। सी अहम पठामि। ओके। भवती किम लिखसि शिवानी महोदया, भवती किम लिखसि। कृति? अहम संस्कृत लिखामि। सही में लिख रही है ना, ये मन से बोल रही है। नहीं, तो आप ये भी बोल सकती कि अहम संस्कृतम न लिखामि, तो लिखा। जो यथार्थ है हम उसको भी तो मतलब भाषा में अच्छा उपयोग कर पाएंगे ना, वैसे में अच्छा आप। अहम संस्कृत न लिखामि। ओके, हाँ हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि अहम संस्कृतम पठामि, परंतु हाँ अहम संस्कृतम न लिखामि, ये लिखामि। अभी नहीं लिख पा रही है या जो भी है, ये हाँ हाँ चलिए किम पूछिए। किम लिखसि भवान कपिल महोदय? भवान, भवान सही बोला ना? हाँ भवान बोला शायद। भवान कहा? नहीं, भवान कहा? नहीं ना, भवान। भवान, भवान सही बोला। अंशु जी ने कंफर्म कर दिया है। हाँ मुझे सुनाई आया, वो शायद सुनाई आने मुझे में शायद लगा मुझे। कि भवान कहा पूछा आपने, भवान कहा? नहीं, भवान। आप बताइए कपिल जी, आपका आंसर क्या? लिखा सी। बाइंग टाइम टू थिंक, बाइंग टाइम टू थिंक। अच्छा, एक बार फिर से पूछ लो प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है, रिपीट कर सकते हैं। किम लिखसी भवान कपिल महोदय? भवान
अहम संस्कृतम न लिखति, न लिखो। लिखामि, संस्कृतम न लिखामि, परंतु पठामि, भवान किं पठसि, भवान किं लिखसि अंशुचि? अहम संस्कृतम लिखामि एवं अहम संस्कृतम पठामि। भवान तो किम सिखाने को क्या बोलेंगे? सिखाने को क्या बोलेंगे आप पाठ, संस्कृत? तो यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा अहम पाठयामि, तो यदि मैं पाठ उस पाठ, पठ बोलूँगा तो मैं पढ़ रहा हूँ, और पाठ उसको कर दिया तो वो पढ़ा रहा हूँ हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं पाठयामि, मतलब पढ़ाना या पढ़ा रहा। तो इसलिए कागज पेन साथ में रख लीजिए ताकि कहीं ना कहीं आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो बाद में मिल जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा एक अभ्यास के हिसाब से भी अच्छा हो जाता है। अहम संस्कृतम, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी नेक्स्ट वीक से रेगुलराइज हो जाएगा। इस हफ्ते पूरा नवरात्रि का हाँ, इसमें थी, मैं लगी पड़ी थी तो। और लोग भी आ जाएंगे अगले हफ्ते से, क्योंकि दो तीन लोग नवरात्रि के कारण भी मिसिंग है। चलो अभी डिस्कनेक्ट अच्छा होगा शायद अपने आप लोगों को वापस लिंक यूज करनी पड़ेगी, जब भी होगा तब देख लेंगे। तो अहम संस्कृतम वदामि, कपिल महोदय। किम वदसि त्वं, कपिल महोदय। किम वदसि भवान, अहं संस्कृतं वदामि, अहं संस्कृतं वदामि, एवं पठामि, परन्तु न लिखामि, अहं भवत्याः किं वदामि, भवत्याः किं विदसि फिर शिवानी से जी? फिर से। भवत्याः मतलब भवत्या आपका, राइट? आप सही में भवत्या आपका पूछना चाहते हैं क्या, या आप पूछना भवत्या चाहते भवान भवती किं वदसि शिवानी जी? भवती किं वदसि शिवानी जी? भवती हैं? अहम संस्कृत वदामि, अहम संस्कृत पठामि, संस्कृतम, परंतु न लिखामि, संस्कृत न लिखामि। संस्कृतम, बाकी आपने सब सही कहा, अच्छा, संस्कृतम। संस्कृतम न लिखामि। उत्तमम् उत्तमम्। देर से आने के लिए क्या बोलेंगे? क्षमा, क्षम्यताम, सिर्फ समस्या, क्षम्यताम ही बोल दीजिए। क्षम्यता। अच्छा, मतलब लिखा आप हुआ है? लेट आने वाले हैं, मतलब आप आगे भी लेट आने वाले हैं शिवानी जी? नहीं, पता तो होना चाहिए ना, सॉरी की जगह भी क्या बोलना है। नमो नमः कपिल नमः। नमो नमः। नमो नमः कपिल जी, नमो नमः शिवानी जी। नमो नमः शिवानी जी। नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां मतलब सर्वेषां सभी मतलब को, सबको। सबको सर्वेषां नमो नमः। और क्षम्यताम लिख लिया आपने कहीं पे? क्षम्यताम। बुक लेके नहीं बैठे हैं?
नेक्स्ट टाइम से कंफर्म। आई रिमेम्बर। हाँ, कपिल जी का तो देखा हमने, वो मीटिंग के ऑलमोस्ट 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने इतना बड़ा पूरा डॉक्यूमेंट बना के सबको भेज दिया। बहुत ही बढ़िया है, मतलब अपनी लर्निंग। सेकंड जो होता है ना, वो बोर्ड मीटिंग में मिनट्स बनाते हैं, बोर्ड हाँ मीटिंग बनाते हैं, हाँ अच्छा था। वो हाँ आदत है, आदत से मजबूर है, लिख देते हैं सब। नहीं वही तो चाहिए ना, तो मतलब आपने भी उससे लिख के रिवाइज कर, आपका भी पुनरोक्ति हो गई उससे। पुनरोक्ति हाँ मतलब रिविजन, हाँ और लास्ट में लिखने में पुनरुक्ति, ऐसा मुझे लगता है बाद में लिखने में ज्यादा मजा आता है, बाद में सब कुछ रिकलेक्ट करने मिलता है। इमीडिएटली ध्यान ना 5 मिनट आता तक है सर्फेस वापस। लेवल पे होता है, सब सरफेस लेवल पे होता है, बाद में तो भूल जाते हैं। तो जब सरफेस लेवल पे होता है तब लिख देते हैं ना, तब वो जम जाता है, तब मुझे याद है। बहुत बढ़िया। ये मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगी। हाँ, हम जब उसके बाद तुरंत एक पेज पे लिख देते हैं, या व्हाट्सएप पे हम ग्रुप में लिख देते हैं, या किसी को भी भेज दो एक एंड में फ्री में, उसको बता दो क्या है ये, देख ले मीनिंग, किसी को तो मेरा बता रिवीजन दो। होगा, किसी हाँ को भी पकड़ो और बता दो हाँ उसी का। अच्छा आइडिया। जैसे पिछले रिविजन, रिविजन के लिए कौन सा शब्द यूज किया? दो शब्द हैं, एक है यहाँ नए पेज पे लिखते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा खिचड़ी हो गई है, एक है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, एक मिनट में क्या लिख रहा हूँ। इसको आधा आधा करके भी लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, ये तो पुनः पुनः आवृत्ति होगा ना, पुनः पुनः आवृत्ति। आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, अच्छा पुनः आवृत्ति या पुनरावृत्ति, हाँ तो विसर्ग जो पुनः है र की मात्रा में, मतलब रेफ में बदल जाता है। निसर्ग ग्रह में बदल जाता है, विसर्ग जो पुनः का विसर्ग था। वो र में बदल जाता है, कोलन, हाँ कोलन तो इसलिए वो पुनरावृत्ति हो गया है। पुनः कोलन जो है आवृत्ति। वो र में बदल जाता है। निसर्ग मतलब कोलन ना, विसर्ग निसर्ग नहीं, या किनिसर्ग, विसर्ग। विसर्ग 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 मतलब कोलन। उल्टा है, कोलन मतलब विसर्ग। हाँ कोलन मतलब विसर्ग, क्योंकि देखो बाप पिता तो पिता होते हैं ना, तो विसर्ग जो है वो पिताजी हैं, कोलन वोलन तो विसर्ग। बहुत छोटी नई नई भाषाएं हाँ हैं। और वैसे ही जो हम बिंदु लगाते हैं शब्दों के ऊपर, जैसे ये एवं में बिंदु लगा है, तो उसको बोलते हैं अनुस्वार। हाँ ये तो अनु हिंदी में, हिंदी में भी यूज होता है। हाँ, तो विसर्ग और अनुस्वार वो तो मतलब दोनों भाषाओं में एक जैसे ही है। हिंदी और संस्कृत की व्याकरण भी बहुत मिलती जुलती है, अच्छा अक्षर तो वैसे भी एक ही हैं, पूरे के पूरे वर्णमाला तो पूरी वही है। देवनागरी, हाँ देवनागरी, देवनागरी लिपि है, मराठी में भी देवनागरी काफी और लगभग पूरी की पूरी ही उपयोग होती है, एक दो अक्षर खाली में जो। ल छोड़ के। हाँ ल वाला जो अक्षर है, और मुझे आपने पिछले हफ्ते पता चला कि वो जो ल वाला अक्षर है वो तेलुगु में भी होता है वैसे ही का वैसा जो मराठी में है। अच्छा अपने अच्छा एक बैच वन वाले हैं जो तेलुगु आंध्र प्रदेश से हैं, तो उनने बताया कि वो जो ल होता है ना मराठी वाला ऐसा हाँ वाला, वो इसमें भी है तेलुगु में भी। जो ये किम शब्द है ना, किम किम हाँ जो शब्द है, किम हाँ यानी क्या क्यों, क्यों ना, किम मतलब क्या, क्या 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 अभी अपन ने जैसे शब्द वाक्यों में यूज किया ना किम पटसि
भवान या किम पठसि भवति, मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आप यही पूछना चाहते हैं। हमारे घर की भाषा में जो उदयपुर के हम लोग जहाँ 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, मेवाड़ी मिली जुली हमारी भाषा है। मेवाड़ी से महाराणा प्रताप के आसपास जो गांव में बोली जाती है वो वहाँ से है। तो हमारे घर में आज भी किम शब्द उपयोग होता है, और इस तरह के 500 शब्द हैं। लेकिन अच्छा एक किम शब्द जो हमारे अभी भाषा में अभी तक आया है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। हम लोग किम जनरली अभी भी मैंने अभी आज ही 50 बार यूज कर लिया होगा। हम लोग इतना फ्रिक्वेंट किम वर्ड यूज करते हैं घर में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवानी मेरे घर की बहन है समझ लो, और मेरे घर पे मैं इनको कुछ कह रहा हूँ, तो मुझे इनको कहना कि वहाँ क्यों गई थी, वहाँ गई थी। तो मैं इनको पूछूंगा वटे किम गई थी, वटे किम गई थी, अच्छा वहां क्यों गई थी। हाँ बढ़े बटे किम गीती थी, बटे बढ़े बढ़े किम दीदी। हाँ किम गीती। फिर दूसरा हम लोग ऐसी भाषा में उपयोग करते हैं कि तूने उसको ऐसा क्यों बोला, आई लास्ट क्यों ना रानी दीदी थे कि बना इन किम कह यू थे इम किम कह यू। इम मीन्स ऐसा, किम मीन्स क्यों। ऐसा क्यों कहा हाँ या ऐसा क्यों किया, ऐसे कुछ पूछ रहे हैं। ये हमारी भाषा लिपिबद्ध नहीं है, जिस तरह से मराठी गुजराती तेलुगु है या तमिल है या दूसरी भाषाएं हैं। लेकिन ये जो भाषा है वो लिपिबद्ध नहीं है कहीं पर भी। तो ये सब है ना राजस्थानी हिंदी भाषा का, ये सब हिंदी के अपभ्रंश है। राइट थोड़े थोड़े बदले हुए रूप हो गए। दरअसल हिंदी भी भाषा बाद में ये हुई है, डेवलप हुई है। हिंदी भी ये नहीं है कि कोई पौराणिक भाषा है। हाँ सही बात है। ये सारे संस्कृत के ही अपभ्रंश है, हिंदी के भी नहीं, संस्कृत के अपभ्रंश है। संस्कृत के अपभ्रंश है। हाँ संस्कृत मैंने इसीलिए एक दिन बहुत बहस हो रही थी, तमिल कह रहे थे कि तमिल पुरानी है, बहुत बहस हो रही थी एक ग्रुप में स्ट्रिंग में। तो उसकी पूरी बहस को अंत करने के लिए मुझे सिर्फ एक लंबा चौड़ा ज्ञान लिखना पड़ा, और मैंने ये संस्कृत यही जो आपने अभी तथ्य दिया वही मैंने वहां लिखा कि संस्कृत के ही बच्चे हैं। आप तमिल कहो या गुजराती कहो, मारवाड़ी कहो, हिंदी कहो, अंग्रेजी कहो, सारी जर्मन कहो, सारी भाषाएं संस्कृत का ही मूल है। तो और तुम जैन कहो, वैदिक कहो, दलित कहो, सारी कह दो, कुछ भी कह दो, तो संस्कृत ही दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है। लोग अपनी मातृभाषा भूल गए नॉर्थ में, तब वो लोग जाकर के बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी किसी की मातृभाषा हो ही नहीं सकती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप कहीं पे भी जाओ कल्चरल, इवन ईस्टर्न यूपी में लोग अपनी एक्चुअल भाषा भूल चुके हैं, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न यूपी में। तो तब जाके, या दिल्ली में तो फिर भी थोड़ी बहुत हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन जो स्पेशली भाषा का जहाँ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है वो है वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे लोग दरअसल अपनी भाषा भूल चुके हैं कि क्या है। जैसे मैं भोजपुर सेगमेंट को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा हमारे देश में कोस कोस पे वो मुहावरा है कुछ, मैं शेयर करूंगी बाद में पापा से पूछ के, कि कोस मुझे कोस पे काफी मुझे पानी ऐसे बहुत और पसंद है, भोजपुरी मुहावरे में बचपन से सुनता आता आया हूँ। कोई एक प्रोफेसर थे जो हमेशा भोजपुरी मुहावरे यूज करते थे, अरे वाह। तो मैं बहुत दिखलाते हैं वो, बहुत मर्म होते हैं, बहुत ठीक नहीं, होते हैं। ये जो मुहावरा है ना, ये रामायण मतलब ये मुहावरा नहीं है, दरअसल दोहा या दोहा जैसा बोल सकते हैं, कि कोस कोस पे पानी और ये भाषा भाषा बदलती बदलती है। है हमारे देश में। तो इवन आप मराठी अगर मुंबई में बात कर रहे हो, या मराठवाड़ा सेक्शन में जा रहे हो, या घाट सेक्शन में जा रहे हो, तो सब जगह की मराठी अलग है, और नागपुर एरिया की एकदम ही अलग है। तो विदर्भ से हाँ अलग है। हाँ विदर्भ से, तो हर जगह का अपना एक अलग ही एसेंस है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे। और सबसे फनी बात क्या है हमारे देश में, कि हम भाषा
लड़ रहे हैं, भाषा के लिए लड़ रहे हैं, बट बेसिकली हम ये नहीं समझ रहे कि भाषा इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड ये जो गूंगे बहरे होते हैं वो भी बात कर लेते हैं, तो करेक्ट, इन चीजों पे लड़ना एक बहुत मतलब ये व्यर्थ है, भाषा हाँ मुझे भी वही लगता है और कि तू मेरी तमिल, तू मेरी कन्नड़, तू मेरी हिंदी, इतना हाँ सब दिमाग लगाने भाषा की जगह जरूरत नहीं है ये सब। तुम्हारी इस पे भाषा, एक हाँ बोलिए, हाँ सॉरी। एक मूवी का है ना, वो चुपके चुपके मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें एक जगह पे एक डायलॉग है कि भाषा अपने आप में इतनी महान होती है ना कि उसका कोई अपमान नहीं कर सकता है। इसके लिए लड़ना बहुत ही व्यर्थ है, जैसे लोग देवी देवताओं के लिए भी लड़ते हैं, या सॉरी टू से एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ऑफेंडेड हो जाती है अपने इसके लिए क्या बोलते हैं जिनको वो पूजते हैं, तो अरे भगवान है, हमको भगवान को बचाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए एग्जैक्टली, है। तो वही है, ये भाषा का भी वही है, भाषा का भी वही मीन्स है कि भैया आप भाषा से के लिए लड़िए मत, भाषा इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। गूंगे बहरे तो नहीं लड़ते कि भैया हमारा भाषा ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए सारे देश में, तो ये थोड़ा अजीब लगता है मुझे भाषा का जब लोग लड़ते हैं। चलो मैं अब एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। पिछली बार शायद तो मैंने कल परसों दिखाया था क्या? सा लेखनी दिख रही है क्या? ये बैकग्राउंड से कभी कभी प्रॉब्लम होती है, मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ। दिख रहा है क्या? क्या है, हाँ सा लेखनी, सा का कपिल महोदय, तो हैंग हो गए, आपका अच्छा मैं एक स्क्रीन सेकंड, हैंग हो गया। हाँ, नहीं मैं बैकग्राउंड हटाता हूँ क्योंकि कई बार बैकग्राउंड थोड़ा इंटरफियर करता है उसमें। आपके बैकग्राउंड की वजह से आपका चेहरा पूरे वीडियो में क्लियर नहीं दिख पा रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ भाई, एक बार इसको हटा देते हैं। अप्लाई। अभी भी शायद क्लियर नहीं आ रहा है आपका वीडियो, आपका विजुअल देखो अब आया, आपने अंश जी क्लियरली नहीं दिख पा रहे हैं। किसका, अंशु जी आपको आप अच्छी तरह ठीक है से नहीं पहले दिख से पा ठीक है, हाँ आप पेन दिख रहा है हाथ में, सा लेखनी, सा का शिवानी महोदया, लिखनी लेखनी लिखनी क्या लेखनी लेखनी या लिखनी, लेखनी लेखनी, हाँ स्क्रीन पे भी मैं लिख देता हूँ। लेखनी लेखनी, और क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है तो हम सा कहते हैं, सा लेखनी। सा का क्या अर्थ है, किसका? सा सा का क्या, सा मतलब ये क्या गायब, है, वो या वह जो हम कहते हैं। और जब हमको ये बोलना है ये, तो अब हम थोड़ा अगले स्क्रीन पे लिखते हैं ताकि थोड़ा साफ होगा। सह है पुल्लिंग, ओके सा है स्त्रीलिंग और सह है पुल्लिंग, सा है स्त्रीलिंग, और तत् नपुंसक लिंग। ठीक है, तो अब यदि मैं बोलूं सह राम कृष्ण, तो अभी मेरे बाजू में एक किताब भी रखी हुई है, हाँ, रामकृष्ण जी के चेले निकल आए बाजू में। सह विवेकानंद, विवेकानंद सह कह ये विवेकानंद
सह विवेकानंद। हाँ अभी पूछिए आप कपिल जी से। लेकिन सह कह, एक सेकेंड, मैं भी एक बुक ले। सह कपिल जी, सॉरी आपका भी मेरा भी बैकग्राउंड बीच में बैकग्राउंड। इंटरफेयर कर हाँ। अच्छा, है। ऐसे कहा सह कह कपिल जी। कहा या किम देखो तो बता रहा हूं अभी। देखो कह मतलब कौन, किम यदि आपने बोला तो आप पूछ रहे हैं क्या है, मतलब वो क्या है, किम मतलब क्या, राइट। यदि आपको कौन पूछना है तो आपको कह लगाना पड़ेगा, कह का किम। तो अब ये करस्पॉन्डिंग है, यदि नपुंसक लिंग है तो आप किम पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला किम लिखामी या किम पठामी, तो क्योंकि मैं पढ़ने और लिखने की बात कर रहा हूँ इसलिए आप वहां पे किम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको किम नहीं बोल सकता, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कपिल 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 महोदय किम अस्ति, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कपिल महोदय क्या है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा वैसे तो वो प्रश्न संभव तो है पर वो बहुत ज्यादा लॉजिकल, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल प्रश्न नहीं है कि कपिल महोदय क्या है। पर मैं यदि ये पूछूंगा कि कपिल महोदय कह अस्ति या कपिल महोदय कह, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कपिल महोदय कौन है। तो अब इसका मतलब है कि मैं उनका परिचय जानना चाह रहा हूँ कि कौन है, कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कह पुल्लिंग में कौन है। यदि मैंने जैसे अभी मैंने पूछा था कि मैंने आपको बताया सा लेखनी, क्योंकि लेखनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृत में फर्क आ जाता है बाकी कई भाषाओं से। हम लोग किसी किसी भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा कि पेन पेंसिल कुर्सी टेबल, ज़्यादातर चीज़ें सब नपुंसक लिंग मानी जाती हैं कि इनका कोई जेंडर नहीं है, राइट। तो इनको इट बोलते हैं, मतलब ही या शी नहीं बोलते। तो आप पेन या पेंसिल को उसमें ही या शी नहीं बोलेंगे, पर संस्कृत में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग हैं। तो लेखनी आपको शब्द से समझ में आ जाएगा, जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे वो ज्यादातर अकारांत होते हैं और उनमें विसर्ग होगा पुल्लिंग शब्दों में, ठीक है। तो यदि मैं रामकृष्ण कह रहा हूं तो रामकृष्ण का मतलब है कि वो, हम किसी पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। यदि मैंने बोला सा शिवानी, तो आपको ये यहाँ शब्द पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्द जो हैं ज़्यादातर आ आकारांत होते हैं या फिर ई कारांत होते हैं, बड़ी ई की, जैसे मोहा, वर्षा, लता। और जो शब्द म पे खत्म होते हैं, और जैसे तत्, अभी मैं बताता हूँ, तत् पुस्तकम्। हाँ ये पुस्तक है। तो तत् पुस्तकम्, तत् मैं तब बोलूंगा जब मुझे बोलना है कि वो पुस्तक है। तो सह मतलब वह या वो, पुल्लिंग में हम सह लड़कों के लिए यूज करेंगे, सा जो है स्त्रीलिंग है और तत् जो है वो नपुंसक लिंग चीजों के लिए है। तो आप पुस्तक के यदि बोल रहे हैं तो तत् पुस्तकम हो जाएगा। और ये इसके, नहीं, एक बार ये फिर से बच्चों बताइए। सॉरी, मैंने ये बैटरी के इसके लिए वायर लगाने के चक्कर में थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया। तो अब जैसे मैंने लेखनी बताया था वो सा लेखनी, और जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मैंने पूछा एक सेकेंड, एक मिटा दूँ इसको, सा का। तो अब मैंने का क्यों लगाया, क्योंकि
क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है, लेखनी इज हाँ स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए मैंने सात ये कहाँ क्या है, पूछा। ये हाँ, क्या, ये वो क्या क्या, है, वो क्या है, वो क्या, सा वो है, सा वो ओके है। अभी ये के लिए भी हाँ बताऊंगा, पहले हम वो के लिए समझ लें। तो सह सा या तत्, और हाँ वो निर्भर करता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग पे। सह रामकृष्ण या सह विवेकानंद, सा शिवानी या सा मोहा या सा वर्षा, जो भी स्त्रीलिंग शब्द है, इवन लेखनी, सा लेखनी, लेखनी भी सा है। उसके शब्द से आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि वो लेखनी लिखा है जिसके अंत में ई लगा है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, वो नपुंसक लिंग नहीं है। इसी का एक और उदाहरण नदी। तो नदी के लिए भी हम सा नदी कहेंगे कि वो नदी नदी है ना। अब पुस्तकम खत्म किस पे हो रहा है, म पे। ज्यादातर नपुंसक लिंग शब्द म पे खत्म होते हैं, जैसे फलम, तत्फलम, तत्पुस्तकम। है हाँ तो आपको शब्द को देख के भी उसका लिंग समझ में आ जाएगा। आ या ई पे खत्म हो रहे हैं तो स्त्रीलिंग, म पे खत्म हो रहा है तो नपुंसक लिंग, और अ पे खत्म हो रहा है तो पुल्लिंग। तो संस्कृतम बोलेंगे तब भाषा भी नपुंसक लिंग में आ जाएगी। संस्कृत, हाँ, भाषा भी वही है नपुंसक लिंग, पर संस्कृतम वो अभी एक, पिछले हाँ वो एक हाँ इंस्टेंस था जहां पे संस्कृतम यूज किया हमने। हाँ वो एक अलग उपयोग है उसका, वो थोड़ा हम बाद में अध्ययन करेंगे। संस्कृतम जो है असल में वो नपुंसक लिंग के कारण उसमें म नहीं लगा है, वो उसकी द्वितीय विभक्ति है। तो हम इसकी थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि वो थोड़ी आगे की चीज है। शिवानी जी, आपको आवाज आ रही है अच्छा क्या? हाँ आ रही है, अब आ रही है, मैं भी अच्छा, आपको मैसेज करने दे। टेम्पररी शायद कुछ हुआ मेरे वाईफाई पे, तो अभी मैंने फोन का नेटवर्क कनेक्ट किया, वो हॉटस्पॉट। मैसेज दिया कि बैंडविड्थ वीक है आपका। चलो, कम से कम ये तो अच्छा है, आजकल फोन के नेटवर्क भी पावरफुल हैं, जो ये सब ले सकते हैं आराम से मीटिंग मीटिंग। हाँ, तो कपिल जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं तो आप एब्सेंस थे तो क्या तो एब्सेंस में मैं रिपीट, तो अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप प्रश्न का ठीक उत्तर दीजिए, और फिर शिवानी जी, मतलब आप पास कीजिए, जैसे आपसे पूछा तो शिवानी जी को पूछिए, ठीक है? तत् किम कपिल महोदय? तक पुस्तकम तत् किम शिवानी महो शिवानी जी तत् किम अभी पुस्तकम कपिल महोदय डायरी नहीं लैपटॉप क्या है डायरी डायरी जैसे ही दिख रही है कुछ। हाँ तो ठीक है ना, पुस्तक ही हुई ना हाँ, वो अभी भी अभी के लिए सब सारी ऐसी वाली चीजें पुस्तक मैं पूछू हाँ, अंशु चलो जी, पूछिए पूछिए। अरे, तत् चारुलता जी भी आ तत् गई, वीडियो आ गई देखने लगी। तत् किम अंशु जी पुस्तकम तत् पुस्तकम शिवानी महोदय। ही है। हाँ हाँ, पुस्तकम ही है। तत् तत् किम तत् किम तत् पुस्तकम
शिवानी जी ने वीडियो भी चला लिया तो इतना तो हो गया, लेकिन आवाज का अभी भी वो नहीं हो रहा। मेरे मेरी आवाज नहीं आ शिवानी रही जी नहीं, सॉरी, वो चारुलता चारू जी बोल रहा था, चारू चारुलता जी बोलना चाह रहा था और आपका नाम ले लिया। ठीक है, इतना समझा आपको। सह सा और तत्, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, उसी में कह का और किम, उसके लिंग के हिसाब से आप पूछेंगे। तो आप कभी भी सह कह नहीं पूछ सकते इसको, क्योंकि ये पुस्तकम है, राइट? तो ये नपुंसक लिंग है, तो इसके लिए तत् किम ही पूछना पड़ेगा। तत्किम सा का ओके या फिर सा का, तो ये मैंने यदि अपने पेन के लिए पूछा, लेखनी के लिए, तो तब मैं सा का पूछ सकता हूँ, तब आप उत्तर देंगे अच्छा सा लेखनी। हाँ सिर्फ सा और का पूछ सकते हैं सा का हाँ, लिखा तो है ना अपन ने, ये तो लिखा है, नहीं ये लिखा है बट वो लेखनी है ना वो स्त्रीलिंग है उसका कि आंसर वो कौन है। क्वेश्चन इतना ही होगा सा का हाँ, तो सा वो का सा का को एक पूरा वाक्य है, सा का प्रश्नवाचक वाक्य। भगवान सा का भगवान सा लेखनी कपिल महोदय, रक्त वर्ण लेखनी। तो अब रक्त वर्ण भी आप होपफुली समझ गए होंगे, रेड कलर का लाल कलर की। हाँ, लाल कलर हाँ लिखने वाली लाल लेखनी। रंग की पेन है हाँ रक्त वर्ण बाप रे भारी वैसे पीत वर्ण है मतलब पीले कलर की, हरित वर्ण हरा ये कलर, श्वेत वर्ण सफेद। पीला तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको जो भी आम आपके हर दिन के काम की जो चीजें हैं उनमें हम घुसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसको समझें। हम मन से ऐसे नहीं सोचेंगे कि तालाब में हंस तैर रहे हैं, तो हमको तो कोई तालाब नहीं नजर आ रहा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो सह सा तत् कह का किम आपको समझा। अभी इसी का एक थोड़ा सा वेरिएशन है, जहाँ पे आप जब हम वो की जगह ये बोलना चाहते हैं ना, कि वो क्या है की जगह मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये किन चीज़ों के लिए बोलते हैं, पहले आप सोच के बताइए। जो सामने होते हैं ये क्या है हाँ, और जो कितना एकदम सामने, करीब हम में ऐसा आता मानते हैं कि हमारे हाथ के दूरी के अंदर जो चीज़ है हम उसको ये बोलेंगे, एकदम और उससे थोड़ी दूर जो भी चीज़ है उसको हम वो बोलेंगे। दिस और दैट वाला जो अंतर है, हाँ ये और वो। तो एशह, तो सह की जगह वो ए जहां पे भी शुरू में लगा दिया, तो एशह मतलब ये, एशह। इसका आप अंदाज लगाइए स्त्रीलिंग में क्या होगा। एशा एशा एशम एशा हाँ तो एशह, एशा, और एशम नहीं, ये थोड़ा सिंपल है, एतत्। तो वो शुरू में जो एतत था उसी में ए लगा दिया। जितने भी ए वाले हैं ये सारे ये हैं, ये क्या है, या ये कौन है, या ये क्या है, ऐसे जब भी पूछना है आपको। क ये सौ वाला तो वो है क वाला क्या है प्रश्न है क ना, वो का तो किम वाला क्वेश्चन अच्छा आई एम तो आस्किंग। है एक, ये अच्छा ये जो ए लगाया है ना हमने ए सबके आगे भी हाँ, एशा एशा एतत हाँ जस्ट इमेजिन करते हैं मुंबई की लैंग्वेज ए क्या है ए क्या है लॉजिक ए क्या है ए क्या है। बढ़िया वो वाला ए जो है वो तो थोड़ा अलग है। क्या एश बोल, एश क्या बोल, क्या बोल रही पब्लिक। का एश एश का एश को एशह जलकूपी। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आया, जब आपने बोला एशह कह, क्योंकि वो आपके हाथ में है, ठीक है, तो आप तो बोलोगे कि ये क्या है, लेकिन जब आपको मैं जवाब दूंगा, तो क्योंकि मैं तो आपसे काफी दूर बैठा हूं, तो मैं बोलूंगा तत् जलकूपी या ये। अच्छा अब जलकूपी इम्पोर्टेंट क्योंकि क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, तो आप एशा का आपको पूछने पड़ेगा, आप एशह कह नहीं पूछ सकती उसके लिए। अब शुरू शुरू में चलता है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो आप बोलेंगी ऐसा का, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है।
हाँ और आपको उत्तर क्योंकि पता है इसलिए आप स्त्रीलिंग सोच पा रहे हैं, नहीं तो आपको मान लो पता ही नहीं है कि वो क्या है, तब आप अंदाज से पूछ सकती हैं एष कः। तो अब मैं हाँ बोलूंगा कि सा जलकूपी। अच्छा हाँ, वो कूपी नहीं पता था ना किस स्त्रीलिंग में खत्म हो रहा है, इसलिए हाँ वही वही, चलता। हैं ऐसे ऐसे टाइम पे एतत पूछ सकते हैं, आप ऐसे टाइम पे कुछ भी पूछ सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि उत्तर क्या होने वाला है, तो आप चाहे सह लगा के पूछें चाहे एतत पूछें, आप जो मन में है पूछ सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो क्या निकलेगा। और तत आसान है पूछना क्योंकि जब आपको नहीं पता है तो तत ज्यादा मतलब बेटर स्टैंडर्ड है कि आप कुछ ऑप्शन भी नहीं पता तो बोलो कि तत् किम, कि वो क्या है, तो फिर वो चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग, वो उत्तर में आपको समझ में आ जाएगा। चारुलता जी हमको आप दिख रही हैं पर आपकी आप पता भी चल रहा है कि आप हाथ पे हाथ हिला रही हैं थोड़े बहुत, पर अब क्या करें। थोड़ा ठीक है तो ये ऊपर आ जलकोपी, जाइए चारू जी, चारू जी थोड़ा ऊपर आ जाइए, कैमरा थोड़ा नीचे ले लीजिए, अरे लेकिन मुझे उनको अगर सुनता ही नहीं है ना, आवाज भी नहीं आ रही होगी ना तो उनको सुन रहा नहीं है ना। तो आवाज भी शायद नहीं आ आवाज रही होगी, नहीं आई तो वो इतने टाइम नहीं रुकते शायद, मुझे ऐसा क्या लगता है। पता। चारू चारुलता जी आपको जी आवाज थोड़ा आ रही है कैमरा तो ऐसे नीचे, कीजिए। कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए आपके हाथ से चारू जी, गई कैमरा ऑफ भी हो गया। वो एक्सपेरिमेंट चालू चालू है चारू जी का। चलो इतना समझा आप लोगों को। और जलकूपी भी एक नया शब्द मिला, बोतल के लिए हम उपयोग करते हैं। और जलकूपी कुप्पी आपने सुना होगा, कुप्पी मैंने कई जगह पे सुना है, कुप्पी लोग बोलते हैं, पर जलकूपी एक संस्कृत का प्रॉपर शब्द है, पानी की बोतल के लिए उपयोग करते हैं। और मैं आपसे एक और पूछता हूँ, यहाँ पे है क्या, एतत किम कपिल महोदय? कीबोर्ड, नहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा कीबोर्ड है कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। हाँ कीबोर्ड। हाँ तो कीबोर्ड को संस्कृत में हम देख, कहते हैं टंकण यंत्र यंत्रम। और क्योंकि वो यंत्रम है तो आपको उससे समझेगा कि वो नपुंसकलिंग है ना, तो एतत कंप्यूटर टंकण यंत्रम। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जैसे कंप्यूटर के लिए, तो गणक संगणक यंत्रम, तो कंप्यूटर या लैपटॉप को हम संगणक यंत्रम कहते हैं। तो चलो आज रुकते हैं क्योंकि अभी मुझे वापस अब योग में जाना होगा, और 7 बजे से अगले वाले बैच पहले वाले बैच की समूह की क्लास है। तो योग, योग आप खुद ही करते हैं मतलब अकेले में, या कोई और आपकी पत्नी भी साथ में करते हैं, या कैसे हम करते हैं आप? अपना अपना करते हैं, मतलब जिसको जब करना है अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा स्केड्यूल वो मेरे भी साथ खाने से में, जुड़ा हुआ है तो खाना खाने के जस्ट पहले मैं करता हूँ। वो भी साधक है आपकी तरह, वो भी साधना करते हैं इसी तरह, हाँ अच्छी बात है। हाँ कम से कम समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बाकी जिसकी जो जब अपनी जिसको करनी है कर लेता। हाँ तो चलो कक्षा समाप्तम करोमि, सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः, नमः, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः।